three, two, one, now. Plus one, plus two, plus three. डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर चीन के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आई क्यूब कमर चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इदारा ब्राय स्पेस टेक्नोलॉजी का कहना है कि 3 मई को मुल्क का पहला सैटेलाइट मिशन रवाना कर दिया जाएगा। पता चला है कि जो है चाइना मदद कर रहा है पड़ोसी देश की मून पे जाने के लिए, और पड़ोसी देश जो है वो मून पे जाने के लिए तैयार है। हमारे पास साइकिल चलाने के लिए नहीं है भाई, हम तो साइकिल भी बना सकते हैं। अब चांद पे जाने की बात करते हैं। 11 बिलियन दुबई के अंदर 11 बिलियन पड़ा है, वो किस तरह चला गया आरजू? ये मेरा क्वेश्चन है। खुद भारतीय नौसेना ने ओडिशा में बालासोर के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। अब भारत वाले तैयारी पकड़ लें, इसलिए कि आप लोग तो चंद्रयान कर चुके, लेकिन अब हमारी तरफ से भी जो है चांद के सफर पे लोग रवाना होने वाले हैं। लोग मून पे जाते हैं कुछ और नया रिसर्च करने के लिए, कोई नई दुनिया ढूंढने के लिए, कोई पानी वगैरह कुछ ढूंढने के लिए। पाकिस्तान जा रहा है आटा ढूंढने के लिए। नहीं, अब ये चंद्रयान 3 को जो है चैलेंज करने जा रहे हैं, हमारा मिशन भी जा रहा है चांद पे। वो भाई एक चाइना की बस जा रही है आसमान की तरफ, उसमें हमने जो एक रियायती टिकट, उन्होंने कहा है भाई हम भारत को आपको दे देंगे कुछ खबरें लगाने के लिए, तो आप भी को बच्चा भेज दें। तो ये वो आप उसकी बात कर रही है, मुझे ये पता है। हमारे पास साइकिल चलाने के लिए नहीं है भाई, हम तो साइकिल भी बना सकते हैं। अब चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। 11 बिलियन दुबई के अंदर 11 बिलियन पड़ा है, वो किस तरह चला गया आरजू? ये मेरा क्वेश्चन है। 250 मिलियन लोगों में से हर एक के लिए क्वेश्चन है, चैलेंज करो उसको। 11 बिलियन की प्रॉपर्टीज है दुबई में तुम्हारी। चंद्रयान 3 की कॉपी करते हुए पाकिस्तान मून पे जा रहा है। मैं स्पेशली पाकिस्तान से पूछता हूं कि भाई मून पे जाने के लिए बड़ा खर्चा लगता है, और मून तक पहुंचने के लिए बड़े पैसे लगते हैं, क्या आपके पास इतना आटा है कि आप मून पे जाओगे? असल में लोग मून पे जाते हैं कुछ और नया रिसर्च करने के लिए, कोई नई दुनिया ढूंढने के लिए, कोई पानी वगैरह कुछ ढूंढने के लिए। पाकिस्तान जा रहा है आटा ढूंढने के लिए। पाकिस्तान का मिशन है मून पे जाके आटा ढूंढना, वहां पे जाके गंदम ढूंढना, वहां पे वो आटा बनाएंगे, आटे के फ्लोर बनाएंगे, आटे के मिल्स बनाएंगे, वहां से आटा जो है इंपोर्ट होगा पाकिस्तान, वहां से आटा पाकिस्तान आएगा। लोग जाते हैं वहां पे नई दुनिया सर्च करने के लिए। पाकिस्तान रात को लेट के सोचता है, इनके जो है जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं रात को लेट के सोचते हैं, यार अगर मैं मून पे चला गया ना और मैंने आटा ढूंढ लिया तो भाई नाम रोशन हो जाएगा पाकिस्तान का। साले जेब में 2 रुपया नहीं है और चला बर्गर पेप्सी पीने। बताइए आज चाइना पाकिस्तान को मून पे भेजेगा? मेरे को तो लगता है इसके जो चलने वाला जहाज है ना, इसका पेट्रोल रस्ते पे ही खत्म हो जाएगा। या तो बारूद पुश हो जाएगा उसका। देखिए हिंदुस्तान ने चंद्रयान को लैंड करवाया मून पे, और ऐसी जगह लैंड करवाया जहां आज तक कोई देश ना पहुंच सका। इस बात को लेकर देखिए बहुत सारे लोग भूल गए, चंद्रयान तक चला गया, बैठ गया, अपना काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस जख्म को आज तक नहीं भूला। पाकिस्तान के दिल पे आज भी ये जख्म है, और आज तक ये कोशिशें कर रहा था। अल्लाह माफ करे, अल्लाह जाने कितना चाटा होगा इसने चाइना का कि भाई कुछ भी कर ले मेरे को मून पे ले जाए। क्या करेगा मून पे जाके? भिखारी सारे सऊदीया में भीख मांगते सऊदीया को मुर्दार कर दिया, दुबई में जाके भीख मांगते दुबई को गंदा कर दिया, कतर तुर्की को गंदा कर दिया, अमेरिका कनाडा लंदन में तो सड़क के किनारे बैठ के पाकिस्तानी तबला बजाते हुए भीख मांगते हो, अब मून पे जाके गंदगी फैलाओगे भाई? वहां पे बैठ के ये करोगे कि चंद्रयान क्या कर रहा है, हम भी वहां पे बैठेंगे, रुको चंद्रयान हमारी जो है वो वीडियो बना रहा है, हम हिंदुस्तान की वीडियो बना देंगे। हम तो कहते हैं कि तुम्हें अगर हिंदुस्तान कि सारी वीडियोस इन जानकारी भी मिल गई ना पूरे हिंदुस्तान के रॉ की, तुम तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे।
तुमको अगर पता भी चल गया कि हिंदुस्तान कल तुम पे हमला करने वाला है, तुम तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तो मून पे जाके क्या करना है? असल में अपने अवाम को गुलाम बनाना, अपने अवाम को और मजबूर करना, अपने अवाम को घुटनों पे झुकाना, ये बस ये चाहते हैं कि इनकी अवाम, आने वाली जो नस्ल है, जो आने वाला टाइम है पाकिस्तान के अंदर, ये होगा कि काम करोगे और सरकार तुम्हें रोटी देगा, दो तीन वक्त ही दाल पका के देगा, उसमें रोटी डुबो के कानी पड़ेगी और सुबह 8 बजे उठ के रात के 12 बजे तक तुम्हें सरकारी नौकरी मुफ्त में करना पड़ेगी। ना शादी कर पाओगे, ना बच्चे पैदा कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। ये करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर और यही होगा पाकिस्तान में। मून पे जा रहे, बताओ यार। आटे का बैग नहीं मिलता, चार चार दिन तक लाइन में खड़े होते भेड़ के टके, एक आटे का बोरी नहीं मिलता इन लोगों को, ये मून पे जाएंगे। दुनिया हंस रही है, जब कोई देश मून पे जाता है तो बाकी देश बड़े जलते हैं, बोलते यार ये इतनी तरक्की कर गया, मून पे जा रहा है पाकिस्तान, मून पे जा रहा है तो दुनिया हंस रही है, कहती है भिखारी यहां कुछ नहीं उखाड़ पाया, मून पे जाके क्या उखाड़ेगा, मून पे जाके भीख मांगेगा, या तो ये चाहते हैं कि मून पे जाए थोड़ा अल्लाह के नजदीक हो जाएंगे, या अल्लाह इधर तो दे दे, इधर तो कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं, मुझे ही दे दे। नहीं मिलेगा, तू चांद के ऊपर भी जाके बैठेगा, चांद पे लिख देगा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तुझे वहां भी नहीं मिलेगा। क्योंकि तू बदबख्त है, तू दहशतगर्द है, तू आतंकवादी, तुझे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, तुझे कभी भीख तक नहीं मिलेगी। तो लगे दोस्तों, आप लोग बताना कि ये मून पे क्यों जा रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है आटा ढूंढने जा रहे हैं। शेख फजलुर रहमान जमातुल उलेमा इस्लामी के चेयरमैन हैं, उसके उसके हेड हैं, और उनको मौलाना डीजल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब बेनजीर भुट्टो की सरकार थी तो उनको डीजल की एजेंसियां मिली थी फर्जी तौर पर, इन्होंने खूब पैसा बनाया मौलाना साहब ने, राइट। मौलाना साहब दीन की बात करते हैं, मौलाना साहब इस्लाम की बात करते हैं, और कभी कभी वक्त मिले तो मौलाना साहब डीजल की भी बात कर देते हैं। अच्छा, मौलाना साहब बड़े एक थिंकिंग मोड में चले गए थे, बड़ा ये सोचने पर, ये पीडीएम के वो हैं, ये करता धरता एक ज़माने के। तो अब इन्होंने ये बोला है कि जनाब भारत जो है, दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, इतना ही दिमाग है पाकिस्तानियों का, भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दाहने खड़े हैं, और डिफॉल्ट को अवर्ट करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी आजकल ये कहते हैं कि भारत ये होने वाला है, भारत ये होने वाला है। और फिर पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी एक बात और कहता है, हर एक पाकिस्तानी एक बात ये कहता है कि साहब देखिए, दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हुए, दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए, और कहां भारत कहां हम। पहली बात में एक बात यह बता दूं कि जब अंग्रेज आया था वो पाकिस्तान नहीं आया था, वो भारत आया था, ठीक है। यानी कि जिसने गुलामी, जब जो पैदा ही नहीं हुआ था, जब भारत को गुलाम करा था अंग्रेजों ने, जब भारत के ऊपर कब्जा करा था अंग्रेजों ने, तो वो आजाद कैसे हो सकता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था उस दिन, पाकिस्तान उस दिन बना था।